क्या चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, पर समझा जाता है कि आयोग ने यह निर्णय ले लिया है। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव कराने की अपील की है। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों की इस मुद्दे पर बैठक हो रही है और वो आगे की रणनीति तय करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही एक सीलबंद लिफाफा झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को दिया। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा था कि वो रांची के राजभवन पहुंचने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। बहरहाल वो रांची पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन इस स्थिति से निपटने के लिए पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। एक विकल्प ये भी है कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन पद पर बने रहें। किसी सदन का सदस्य रहे बगैर 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहा जा सकता है। इस बीच वो उपचुनाव में भाग लें और चुनाव जीत कर आ जाएं। यदि वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये कहा जाएगा कि उन्हें जनादेश मिला हुआ है। लेकिन यदि चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया तो स्थिति विकट हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इसकी संभावना कम है। समझा जाता है कि हेमंत सोरेन इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि वो पद से हट जाएं और पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे। पार्टी में ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कोई खुलकर विरोध भी नहीं करेगा। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उनकी मदद करने के लिए एक मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। लगभग यही स्थिति झारखंड में भी हो सकती है, लेकिन समझा जाता है कि ये स्थिति नहीं आएगी। सोरेन विधायक पद पर बने रहने से अयोग्य ठहराए जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।